हूँ। तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ने वाले हैं क्या, हिस्टेरेसिस कर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे क्या होगा ये समझिए, यहां पे दो वैल्यूज जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो है H और I, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वो क्या है, H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है? नहीं पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ के आइए, ठीक है, क्योंकि यहां पे यही चीज बहुत बार बार यूज होने वाला है। और पढ़ा है मैंने I, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाइपोल्स अरेंज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटाइजेशन, जिसे आई से डिनोट करते हैं, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा हिस्टेरेसिस कर्व, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिस्टेरेसिस कर्व का यूज क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि फीलिंग आई यूज से आपको। तो हिस्टेरेसिस कर्व हेल्प अस इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय ऑब्जर्विंग इट शेप, ठीक है। तो हम लोग जब हिस्टेरेसिस कर्व बना लेते हैं किसी भी मटेरियल की, यहां पे हिस्टेरेसिस कर्व जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ में आया कि नहीं? तो हिस्टेरेसिस कर्व हमें क्या करता है, मदद करता है किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने में, मतलब देखने के लिए मदद करता है, ठीक है, बाय सीइंग इट शेप जो बनता है। देखिए कुछ इस तरह हिस्टेरेसिस कर्व बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सब एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज पता चलेगी, आप सिर्फ देखते जाइए जो हम बता रहे। अब हम लोग क्या करेंगे कर्व बनाने के लिए, हम लोग तीन चीज की रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। एक हम लोग क्या करेंगे, सोलेनोइड लेंगे, ठीक है, एक हम लोग लेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, मटेरियल लेंगे, और क्या लेंगे, करंट उसमें से फ्लो कराएंगे, ठीक है, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक क्या किया, हम लोगों ने लिया है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है। अब इसको क्या किया है, हमने वायर से लपेट दिया, मतलब सोलेनोइड के अंदर डाल दिया है कुछ ऐसे, हाँ कि ना, डाल दिया। अब इसमें से हम लोग करंट फ्लो कराना शुरू करें। अब जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना, अब जब करंट फ्लो करता है तो हम लोग पढ़ के रखे हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, हाँ कि ना, तो कुछ इस तरह यहां पे होगा। अब हम लोग यहां पे, हम लोग बस एक चीज सुन लीजिए पहले से ही, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, कुछ ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो फील्ड इंटेंसिटी जिससे मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं यहां पर, हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी शुरू की, तो कुछ क्या होगा, क्या होगा बताइए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जब हम लोगों ने आई बढ़ाया, करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मतलब एच बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी, हाँ कि ना। अब देखिए जब हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगाया था, करंट वरंट जीरो था, तब हर चीज जीरो थी, आई भी जीरो था, एच भी जीरो था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया था, मतलब करंट वरंट कुछ नहीं लगाया था, तो एच भी जीरो था, आई भी जीरो था, पर जैसे ही हम लोग एच बढ़ा रहे, मतलब करंट बढ़ा रहे, मतलब क्या हो, जैसे ही करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ी, हाँ कि ना, जैसे जैसे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा। अब आप चाहे जितना बढ़ा लीजिए एच की वैल्यू, चाहे एच की वैल्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अब चाहे जितना बढ़ा लीजिए, अब क्या होगा, आई की वैल्यू सेम रहेगी। देखिए क्यों, क्योंकि जितने डाइपोल्स अरेंज होने चाहते थे, जितने भी डोमेन थे हमारे इस मटेरियल के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैंने लिया है उसके अंदर जितने भी डोमेन थे, जितने भी अलाइन हो सकते थे, सबके सब अलाइन हो गए कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है कि उनके तरह, मतलब एक करोड़ थे तो एक करोड़ के एक करोड़ मान लेते हैं अलाइन हो गए। अब है ही नहीं तो फिर क्या होगा, अलाइन होंगे ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ, जितने हो सकते थे वो क्या हो गए, अलाइन हो गए, समझ में आया कि नहीं? तो स्टार्टिंग हमारी जीरो से हुई, अब हम एच को बढ़ाए 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 बढ़ाए, हमें एक पॉइंट मिल गया जिसे हम लोग ए कहे, और उसको कहेंगे
मैग्नेटिक सेचुरेशन, जिस पॉइंट पे चाहे जितना आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, संगारे कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब इन्होंने देखा यहां पे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए हम लोग ने क्या किया था कि करंट की वैल्यू को बढ़ाया 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 बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, जिससे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी। अब इन्होंने देखा कि जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी तो क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा मटेरियल का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, ऑल डोमेन्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उस पॉइंट पे, यहां पे जो हम लोग को मिला है ये पॉइंट, ठीक है, वो क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे अब चाहे जितनी आप इसके बाद बढ़ा लीजिए, आई की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन्होंने देखा कि यहां पे तो भैया आप चाहे जितना बढ़ाए जा रहे हैं आई एच की वैल्यू, करंट बढ़ाए जा रहे हैं, एच की वैल्यू चाहे जितना बढ़ा लीजिए आप, आई की वैल्यू सेम है उस मटेरियल की। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इन्होंने कहा जब बढ़ा रहे, चलिए हम घटा के देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो जब इन्होंने घटाया तो इन लोगों ने सोचा कि भैया ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सट से आएगा, बंद कर देंगे, ठीक है, करंट को जीरो कर देंगे तो सट से ऐसे आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब यही वाली पाथ ना फॉलो करके इसने क्या किया, कुछ ये वाली पाथ फॉलो की। मतलब जैसे ही एच की वैल्यू घटाया घटाया घटाया, मतलब करंट को जीरो कर दिया, मतलब एच की वैल्यू जीरो कर दी, तो इन्होंने देखा कुछ ऐसे ग्राफ बना। अब ऐसे ग्राफ बना तो इन्होंने देखा कि यहां पे एच की वैल्यू तो जीरो आ रही है, पर आई की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, कुछ आ रही है, मतलब ओबी कुछ वैल्यू आ रही है। इस ओबी को हमने क्या कहा, इस ओबी को क्या कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं। पर इन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट हो गया है करंट को जीरो करने के बाद, ठीक है, उस मटीरियल के अंदर अब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है, कि वो खींच सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब कुछ प्रॉपर्टी आ गई है, तो इन्होंने इतनी इतनी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर आ गई है, इसको इन्होंने कहा ये रिटेंटिविटी होती है। क्या होती है ये, रिटेंटिविटी होती है। इसको इन्होंने कैसे कहा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट इन द बी या आई कहिए, इन द मटीरियल व्हेन क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू जीरो। जब जीरो कर दिया जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, तो जो मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट होती है उस मटेरियल में, उसे कहते हैं क्या, रिटेंटिविटी। अब इन्होंने कहा यहां पे मैग्नेटाइजेशन ससुरा कुछ बच गया है करंट जीरो करने के बावजूद भी, तो हम लोग कैसे नहीं कम होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या किया, करंट को क्या किया, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू किया। पहले करंट ऐसे ऐसे लगा रहे थे, मतलब इधर से फ्लो करा रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कराएंगे। मतलब क्या करेंगे, कुछ करंट हम लोग इधर से फ्लो कराएंगे और इधर से निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर से निकलेगा, मतलब इन सबकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, कि मतलब ये हो जाएगा ऐसे 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 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन हम लोग करंट को लगाना शुरू कर दिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लगनी शुरू हो गई। मतलब जो डायपोल्स अब पूरे के पूरे इधर अलाइन हुए थे, वो धीरे 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 इस तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जो डायपोल्स इधर, मतलब डोमेन्स अलाइन हुए, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे मुड़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि, अब हमने कहा करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, तब क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तब तक लगाएंगे जब तक क्या हो, मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। तो हमने सुना जीरो करने के लिए ये लगाया। अब हमने लगाया 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 लगाया, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिली डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में हमें एक वैल्यू मिली एच की, क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एक वैल्यू मिली, ठीक है, जिस पे आई जीरो हो जा रहा है, हाँ कि ना, इसको मैंने माना कुछ सी, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जा रहा है उस मटेरियल का। तो इन्होंने कहा ओ टू सी जो हमने नेगेटिव एच लगाया है, इसको इन्होंने कहा कोर्सिविटी, इतने वैल्यू को इन्होंने कहा कोर्सिविटी। और इन्होंने डिफाइन किसे किया, द अमाउंट ऑफ नेगेटिव एच, मतलब नेगेटिव एच का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एच लगा रहे हैं, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, द अमाउंट ऑफ नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन और रिटेंटिविटी टू जीरो। समझ में आएगी नहीं, नेगेटिव को आप हटा के आप यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। तो जहां तक की वैल्यू को इन्होंने कहा कोर्सिविटी कहा, समझ में आया कि नहीं।
अब इन्होंने कहा यहां पे तो ससुरा कुछ ऐसे ऐसे बन रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ऊपर नीचे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम लोगों ने इतना लगाया तो हमें इतना मिला, तो हम कहते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में इसे नेगेटिव क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो देखते हैं जो हमें यहां पे सैचुरेशन मिला था कि यहां पे भी मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने बढ़ाया 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 और देखा अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बढ़ाया और नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ी, हाँ कि ना। अब बढ़ाया 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 बढ़ा, तो इन्होंने देखा ससुरा यहां पे डी पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जा रहा है कि आप चाहे जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, ये देख रहे हैं यहां पे चाहे जितना बढ़ा लीजिए आप, क्या होगा कि जो मैग्नेटाइजेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जितने डाइपोल 1 करोड़ इधर अलाइन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा, तो उतने डाइपोल इधर अलाइन हो जा रहे हैं, हाँ कि ना, समझा, इधर अलाइन हो जा रहे। तो जितने करोड़ इधर अलाइन हो गए थे उतने ही यहां पे अलाइन हो गए, समझ में आया कि नहीं। तो क्या हुआ, यहां पे भी सैचुरेशन आ गया, तो डी पॉइंट को भी इन्होंने कहा है सैचुरेशन, यहां पे भी आ गया, तो इनका ससुरा यहां पे भी हो गया। मतलब अब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया था, बढ़ाया था नेगेटिव डायरेक्शन, यहां पे इनका बढ़ाने पे तो ऐसा हो रहा है, हम क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी को फिर से घटाते हैं। तब तक घटाएंगे जब तक आई की वैल्यू, हाँ जब तक घटाएंगे तब जब तक हमें आई की वैल्यू 0 ना मिल जाए, अभी तो आ रही है। तो इन्होंने घटाया 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 घटाया, तो इन्हें एक पॉइंट मिला जहां पे एच की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, पर मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन अभी हमें यहां पे मिल रहा था वही अभी हमें यहां पे मिलने लगा। तो इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जो ओबी हमारा रिटेंटिविटी पहले आ रही थी वही हमारी यहां पे भी आ रही है, ठीक है, और इन्होंने देखा कि जो रिटेंटिविटी ओबी की थी वही क्या हो रही है, ओई की हो रही है। तो यहां पे हमने एक पॉइंट लिखा है, कहां लिखा है कि जो ओबी की रिटेंटिविटी होगी, कहां गया, ये देखिए, ओबी की जो रिटेंटिविटी होगी वही क्या होगी, ओई की रिटेंटिविटी होगी, हाँ कि ना। इतना समझा कि ये चीज तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने लगाया और सैचुरेशन पॉइंट ही मिल गया। अब इन्होंने कहा हमें आई 0 चाहिए था ना, तो हमने क्या किया, और अब क्या करेंगे हम लोग, एच को धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, हाँ कि ना। तो हमने धीरे 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 अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसे बढ़ाया, यहां पे बढ़ा रहे थे ना, हाँ कि ना, रिटेंटिविटी। अब क्या कर रहे हैं, एच को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हमने सीधे सीधे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बताया था यहां पे जो खेल चल रहा है, एच को बढ़ा रहे घटा रहे बढ़ा रहे घटाने वाला खेल चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने बढ़ाया 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 और एक पॉइंट मिल गया हमें एफ, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू सट से 0 हो जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें रिटेंटिविटी, मतलब क्या हुआ, रिटेंटिविटी यहां पे 0 हो जा रही है, और क्या कह सकते हैं हम लोग कि मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल का 0 हो जा रहा है अब, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन अब उसका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, आई की वैल्यू 0 हो जा रही है और एच की वैल्यू हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कोर्सिविटी कहेंगे, समझ में आया कि नहीं, जो इधर लग रही थी वही इधर भी लग रही, समझ में आया कि नहीं। अब इन्होंने कहा कि भैया यहां पर तो हमें मिल गया 0, हाँ ही ना, आई की वैल्यू 0 मिल गई, क्या अगर अब हम लोग बढ़ाएंगे एच की वैल्यू तो क्या हमें यही एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा जो पहले मिल रहा था जब हम लोग बढ़ा रहे थे, तो ऑब्वियस बात है मिलेगा, तो डाइपोल तो सेम ही है ना, बढ़े तो है नहीं, हाँ कि ना, डोमेन तो सेम ही है, हाँ कि ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एच की वैल्यू बढ़ाएंगे 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 तो जितने करोड़ थे उतने करोड़ अलाइन हो जाएंगे ऐसे ऐसे, हाँ कि ना, सब अलाइन हो जाएंगे। तो 100 करोड़ थे 100 करोड़ अलाइन हो गए, तो अलाइन होने के बाद ये पॉइंट हमें मिला, 100 करोड़ पे भी पहले ऐसे मिल रहा था अलाइन हो गए थे और हमें अब भी यही भी मिल रहा है। तो हमने समझ में आ गया, सब डोमेन का खेल है कि करोड़ थे करोड़ अलाइन हो गया, उससे ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते, तो यहां यहीं पे आके ये ग्राफ मिल गया। तो ये होता है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब हमें यहां पे फिर से अगेन हमें मिल गया सैचुरेशन पॉइंट, समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ, इट इज अ इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो सट भी ऐसे सबसे पहले आया था, यही घूम फिर के यहीं पे आ जाता अगर हम लोग करंट की वैल्यू जीरो करता, ऐसा नहीं मिला, उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे हमें मिलता गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे क्या हुआ, एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में एनर्जी लॉस होती है, तो यहां पे भी एनर्जी लॉस हुई है। अब यहां पे रिजल्ट हमने लिखा है, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हियर एनर्जी इज लॉस, समझ में आया कि नहीं। अब क्या करिए, आप इसे थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, अब हम लोग एक और थोड़ा सा पढ़ेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट, पहले आप क्या करिए इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, देखिए इसे।
हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं हिस्टेरेसिस की डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए। देखिए यहां पे लिखा है हिस्टेरेसिस क्या है, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, मतलब क्या हो रहा है, आई पीछे पीछे चल रहा है एच के, ठीक है, यही होता है हमारा हिस्टेरेसिस। इसे और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इट इज द फेनोमिना ऑफ लैगिंग आई और बी, समझ रहे, आई क्या है मैग्नेटाइजेशन और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बिहाइंड एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। समझ में आया कि नहीं, बहुत सरल है, आप सिंपल वर्ड में समझिए, जब आई पीछे पीछे रहता है, फेनोमिना ऑफ आई पीछे पीछे रहता है एच के, उसे ही कहते हैं क्या, हिस्टेरेसिस, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच। देख सकते हैं आप, यहां सब देख रहे हैं ना, एच ज्यादा है आई कम है, फिर एच ज्यादा है आई कम है, समझ में आ रहा है, यही सब चल रहा है इन सब साइकिलों में, तो इसे कोई कहा गया आई एच, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, इसे ही कहा गया हिस्टेरेसिस। समझ में आएगा नहीं, अब देखिए यहां पे एक चीज नोट करिए कि जो हिस्टेरेसिस लूप होता है, ये जो लूप बन रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटीरियल इन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन और फिर मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है, तो मान के मतलब समझिए आप कि हमने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते थे इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रही है। समझ में आया, तो इन्होंने कहा जो एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा इस हिस्टेरेसिस कर्व का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, और इसी को ही इन्होंने एनर्जी कैसे लिखी, हिस्टेरेसिस लॉस इन्होंने कहा, जिसे टोटल एनर्जी लॉस भी कह सकते हैं, इन्होंने कहा वी ए एन टी से हम लोग निकालेंगे, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, A मतलब एरिया ऑफ अ हिस्टेरेसिस लूप, N इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइकिल एंड T इज द टाइम। समझ में आया कि नहीं, तो इससे निकाला जाता है क्या हमारा, क्या इस हिस्टेरेसिस का लॉस निकाला जाता है, अगर ऐसा वैल्यू दे देंगे सट से आप निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं, अब यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है, वो है फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच, अगर हम एच की कोई यूनिक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यही ले लेते हैं एच की वैल्यू, तो हेयर आई इज नॉट यूनिक। अब देखिए अगर हम आई को देखना शुरू करें यहां से, तो आई की वैल्यू कुछ यहां पे भी आ जाएगी, हाँ कि ना, कुछ यहां पे भी आएगी, कुछ यहां पे भी आएगी, तो क्या हुआ, एक वैल्यू के एच की एक वैल्यू के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, हाँ कि ना, तब हम लोगों ने कहा कि आई यूनिक नहीं है, इसलिए समझ में आया, तो हमने कहा आई हेयर आई सॉरी हेयर आई डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल, I depends upon history of sample, मतलब अगर हम लोग ये वाला सैंपल लें, ठीक है, तो यहां पर इसके लिए I की वैल्यू, H की वैल्यू अगर हम लोग यूनिक रखते हैं तो I की वैल्यू सेम रहेगी, अगर ये वाला हम लोग लेते हैं तो इसके लिए I, H की जो वैल्यू रहेगी उसके लिए यूनिक रहेगी, तो हर सैंपल के लिए, हर हिस्ट्री ऑफ सैंपल के लिए I की वैल्यू तब जाके यूनिक होगी जब H की वैल्यू एक यूनिक होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो जो ये है, देखिए बच्चा जो हिस्टेरेसिस कर्व बनता है सॉफ्ट आयरन के लिए, तो ये पतला वाला सॉफ्ट आयरन के लिए, और स्टील का कुछ यूं है, अधिकतर लोग क्या करते हैं अलग अलग बनाते हैं, उससे क्या हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमने क्या किया यहां पर बनाया, और यहां पर आप देख सकते हैं जो रिटेंटिविटी है किसकी, सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, स्टील के, ये मोटा वाला स्टील है, तो आपको बस याद रखना है ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम, थोड़ी सी ज्यादा होती है रिटेंटिविटी इन सॉफ्ट आयरन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती है, पहली चीज हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, दूसरी चीज हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज होनी चाहिए जो लूप का हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए फॉर परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं यहां पे, परमानेंट मैग्नेट लिख दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि कोर्स जो रिटेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है, हाँ कि ना, पर एरिया जो है वो किसका ज्यादा है, हमारा स्टील का ज्यादा है, कोर्सिविटी किसकी ज्यादा है, स्टील की ज्यादा है, बस क्या होता है जो रिटेंटिविटी होती है वो किसकी, सॉफ्ट आयरन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसी वजह से यहां पे हम लोगों ने इसी को दिखाया है अच्छे से।
पर जीतता है वो किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है, स्टील जीत जाता है, कोर्सिविटी ज्यादा होती है और लूप का जो एरिया होता है वो भी ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो परमानेंट मैग्नेट हमें चाहिए होता है वो स्टील उसमें जीत जाता है। इसका मतलब स्टील में ज्यादा पावर हो जाएगी क्या किसकी, परमानेंट मैग्नेट बनने की। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब अगर हम लोग बात करते हैं जनरेटर में, अगर हम लोग बात करें कि क्या यूज करेंगे, तो हमने पढ़ के ही रखा है 10th क्लास में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट करके आयरन पर, अगर कंडीशन पूछता है कि कंडीशन क्या रहेगी तो यही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी और लो एरिया होना चाहिए, समझे, जनरेटर और ट्रांजिस्टर में, ट्रांसफॉर्मर में शायद, ट्रांजिस्टर उन सब में यूज होने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ समझ में आया कि नहीं। तो ये सब कंडीशन होनी चाहिए फॉर जनरेटर यूज में, समझ में आया कि नहीं। तो इसे अब अच्छे से आप क्या करिए, धर के छाप दीजिए।